नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर बिसेन और आयोग के सदस्य विधायक कृष्णा गौर, प्रदीप पटेल आज धार पहुंचे। धार पहुंचने पर सर्किट हाउस पर धार विधायक नीना विक्रम वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव यादव ने उनका स्वागत किया। इसके पश्चात वह कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद पहली बार वह धार आए हैं। डॉक्टर गौरी शंकर बिसेन ने बताया कि आयोग को काम करना है, उसका प्रतिवेदन सरकार को सबमिट करना है, उसका ही प्रारूप आज यहां पर रखा गया कि किन किन बिंदुओं पर तैयारी करनी है। मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व रोजगार, सामाजिक स्तर व अन्य सभी स्थितियों को जानना है, इसी संबंध में चर्चा हुई है। हम अगली बार बसाहटों में जाएंगे जहां पिछड़ा वर्ग के लोग बसते हैं। देखें खबर इसके पिलाई न्यूज पर। देश के सभी जिलों में हम जा रहे हैं और कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री की वीसी है, इसलिए जिले के कलेक्टर, एसपी और अन्य कुछ अधिकारी उस मीटिंग में थे। उनके उनके जो एसडीएम है, एडीएम है, सभी लोग थे। जो मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन हुआ है, उस गठन के बाद धार में पहली बार आयोग आया है। जो आयोग को काम करना है, जो प्रतिवेदन सरकार को सबमिट करना है, उनके ऊपर हमने उसका प्रारूप यहाँ पर आज रखा है कि किस किन बिंदुओं के ऊपर आपको तैयारी करनी है। मुख्य रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनका सामाजिक स्तर कैसा है, उसमें और क्या सुधार हो सकता है, रोजगार के कैसे अवसर प्रदान किए जा सकते हैं स्वरोजगार के क्षेत्र में और अनन्य क्षेत्रों में, उन सबके संदर्भ में आज विस्तृत चर्चा हुई है। और उनसे कहा है कि ये हमारी पहली बैठक है, अगली बार हम कुछ उन बसाहटों में भी जाएंगे जहाँ पे कि पिछड़े वर्ग के लोग बसे हैं और उनके भी स्थिति का अध्ययन करें।